आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं फोर टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्मार्ट सिटी के शोबे में तेलंगाना हुकूमत के साथ इश्तराक की पेशकश, हिटाची कंपनी के वफद की वजीर आला से मुलाकात। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अराजी पर मकानात की तामीर का मसला राजभवन पहुंच गया, तलबा तंजीमों के कायदीन की गवर्नर से मुलाकात। मिशन काकतिया के काम जल्द मुकम्मल करने की अहदेदारों को रियासती वजीर हरीश राव ने दी हिदायत। चबूतरों होटल्स में रात गुजारी करने वाले नौजवानों के खिलाफ साउजन पुलिस की कार्रवाई। और मदाना पेट में राजी का तनाजा, दो ग्रुपों में तसादुम, तीन अफराद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव से हिटाची कंपनी के वफद ने मुलाकात करते हुए स्मार्ट सिटी के शोबे में तेलंगाना हुकूमत के साथ इश्तराक की ख्वाहिश जाहिर की है। वफद ने बताया कि शोबे सेहत और तालीम में माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी कंपनी की शराकत दारी है। कंपनी के वफद ने वजीर आला से अगस्त 2015 में कंपनी की सरगर्मियों के दूसरे मरहले का इफ्तिताह करने की भी दरख्वास्त की है। वजीर आला ने कंपनी के वफद को रियासत में स्मार्ट सिटी कार्ड मुतारिफ करने के सिलसिले में ताउन पर जोर दिया है। उन्होंने तेलंगाना में भारी मशीनों के प्लांट के क्याम की गुंजाइश पर भी तवज्जो दिलाई। उन्होंने वफद को बताया कि हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ में कोई भी सरमायाकारी सनत कायम कर सकता है। इस मौके पर रियासती वजीर फिनांस ई राजेंद्र, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांता कुमारी और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। बाद में वफद ने वजीर सनत जे कृष्णा राव से सेक्रेटरीट में मुलाकात करते हुए रियासत में सरमाकारी से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया। सुमानी यूनिवर्सिटी की अराजी पर गरीबों के लिए मकानात की तामीर का मामला राजभवन पहुंच गया है। हफ्ते को ओयू तलबा जेएसी के वफद ने गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए हुकूमत के फैसले के खिलाफ नुमाइंदगी की। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा रेणुका चौधरी और तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस के तर्जुमान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वजीर आला केसीआर सिर्फ जीएचएमसी इंतखाबात में वोटों के हुसूल के लिए गरीब आवाम और तलबा के दरमियान कशीदगी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत गरीबों के मकानात के लिए संजीदा है तो एन कन्वेंशन की अराजी पर मकानात तामीर किए जाएं। श्रावण ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अराजी पर टीआरएस अरकान असेंबली जबरन कब्जा किए हुए हैं। तलबा जेएसी के सदर ने विनय कुमार ने कहा कि अगर हुकूमत उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अराजी पर नजर डालेगी तो एक नई तहरीक का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के अराजी पर किसी भी तरह की तामीर का वजीर आला को कोई हक नहीं पहुंचता। रियासती हुकूमत ने आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करते हुए अहकाम जारी कर दिए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर के मुताबिक आंगनवाड़ी वर्कर्स को 4,200 रुपए के बजाय 7,000 रुपए, हेल्पर्स और छोटे आंगनवाड़ी वर्कर्स को 2,200 के बजाय 4,500 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आपाशी हरीश राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकद करते हुए मिशन काकतिया के कामों को जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। रियासती वजीर ने मिशन काकतिया के कामों का जायजा लेने के बाद कहा कि मौसम बरसात का अनकरीब आगाज होने वाला है, इससे पहले झीलों की सफाई को यकीनी बनाया जाए। रियासती वजीर ने कहा कि काम के मेयार में फर्क नहीं आना चाहिए। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा के अलावा महकमे आपाशी के आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स ने रियासती वजीर आपाशी हरीश राव से मुलाकात की है। रियासती वजीर ने वफद को तेलंगाना में जारी मिशन काकतिया प्रोग्राम के जरिए छोटी आपाशी को फरोग देने वाले इकदाम से वाकिफ करवाया। हुकूमत के मुशीर विद्यासागर राव भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर दाखला नायने नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक खुले रखने की हुकूमत ने इजाजत दी है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2 जून को तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर एक हफ्ते तक तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स में तेलंगाना के पकवान अवाम के लिए दस्तियाब रखने की होटल और रेस्टोरेंट्स इंतजामिया को हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया है। तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर रेवंत रेड्डी ने सवाल किया है कि 3 निशस्तों पर मुमकिन कामयाबी हासिल करने वाली टीआरएस ने कौंसिल के लिए क्यों 5 उम्मीदवारों को मुकाबले के लिए उतारा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर में पार्टी के प्लेनरी इजलास में केसीआर ने शफाफ सियासत और उसूलों पर चलने की बात कही थी, लेकिन अदवी ताकत न होने के बावजूद कौंसिल के इंतखाबात में 5 उम्मीदवारों को खड़ा करना क्या शफाफ सियासत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम केसीआर के दोहरे मौकफ से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुखालिफ पार्टी के अरकान को धमकाने वाले केसीआर के खिलाफ सियासी निर्भय एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, और कहा कि तेलंगाना के मुखालिफ कौंसिल अरकान को वजीर का ओहदा देने वाले केसीआर के इकदाम के खिलाफ तेलुगुदेशम कायदीन को कौंसिल इंतखाबात में जमीर की आवाज पर वोट देना चाहिए। दूसरी तरफ टीआरएस कायदीन बी वेंकटेश्वरलू और यादव रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए बी वेंकटेश्वरलू और यादव रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी तेलुगुदेशम की आंध्रा लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। दोनों कायदीन ने कहा कि ई दयाकर राव एल रमना को नजरअंदाज करते हुए रेवंत रेड्डी सीमा आंध्रा के कायदीन पी केशव, डी उमा और डी नरेंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। टीआरएस कायदीन ने कहा कि रेवंत रेड्डी के केसीआर पर तनकीद करने की हैसियत नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि केजी तापीजी मुफ्त तालीम का राग अलापने वाली हुकूमत स्कीम पर संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा है कि स्कीम का आगाज होने तक हक तालीम एक्ट को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने यूनिवर्सिटीज में फौरी वाइस चांसलर्स के तकरर का मुतालबा किया है। जीवन रेड्डी ने कहा कि गरीबों के मकानात की तामीर का वादा सिर्फ जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नजर किया गया है। उन्होंने उस्मानी यूनिवर्सिटी की आराजी पर जबरन कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटी के तलबा को नशाना बनाने के मकसद से काम कर रही है। जिले रंगारेड्डी के ओल्ड जलाल बाबा नगर में वजीर जंगलात जोगी रामना के दौरे के दौरान वहां के अवाम ने शदीद बरहमी जाहिर की। वजीर मौसूफ ने महकमे जंगलात की अराजी के मुआयने के लिए वहां गए हुए थे। टीआरएस कायदीन की इमा पर वजीर जंगलात जोगी रमना ने जलाल बाबा नगर का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जलाल बाबा नगर की अराजी महकमे जंगलात की है और सन 1969 में अवाम को अलाट की गई थी। इसके बाद बाज अफराद ने अराजी पर कब्जा करने की भी इत्तला है। वजीर ने बताया कि 30 साल से इस बस्ती में मुकीम अफराद को दूसरे मुकामत पर अराजी के पट्टे दिए जाएंगे और उनके लिए पक्के मकान भी तामीर किए जाएंगे। जब तक यहां मुकीम अफराद को महकमे जंगलात या रेवेन्यू के अहदेदार परेशान नहीं करेंगे। इसके बावजूद अवाम ने वजीर के इस मौकफ पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए 4TV को बताया कि हम जहां पर हैं वहीं पर ठीक है, हमको नई अराजी के पट्टों की जरूरत नहीं है और ना ही हमें अपार्टमेंट चाहिए, हम यहां पर 30 साल से जिंदगी बसर कर रहे हैं। आंध्रा खानोसास कौंसिल के अपोजिशन कायद सी रामचंद्रया ने कहा है कि वज़ीर-आला चंद्रबाबू नायडू अपनी खामियां दूसरों पर थोपते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्रया ने कहा कि 1 साल की तेलुगुदेशम हुकूमत की कारकर्दगी से वाजे नहीं हो पाया है कि आखिर क्या तरक्याती इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जगनमोहन रेड्डी की मुजवजा भुकड़ताल को देखकर आंध्रा के वज़ीर-आला दारुल हुकूमत के नाम पर हंगामा करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सी रामचंद्रा ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से वादे की नाकामी का अगर चंद्रबाबू नायडू एतराफ करेंगे तो कांग्रेस उनके साथ देगी। शहर के चबूतरा कल्चर और रातों में गैर जरूरी घूमने वालों के खिलाफ साउजन पुलिस ने जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है। तकरीबन 300 से ज्यादा नौजवानों को तहवील में ले लिया गया और वालिदैन की मौजूदगी में काउंसलिंग और सख्त ताकीद के बाद उन्हें रिहा किया गया। एडिशनल DCP बाबू राव ने वाजे कर दिया है कि पुलिस का कोई मुलाजिम रात में कारोबार करने वालों से मामूल वसूल नहीं करेगा।
साउथ जोन पुलिस ने शहर के चबूतरा कल्चर और रातों में बिला मकसद घूमकर बसियारखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जुमा और हफ्ते के दरमियानी रात एडिशनल डीसीपी बाबू राव की निगरानी में पुलिस ने मुख्तलिफ मोहल्लेजात की रातों में चलने वाली होटलें, इटली डोसा, ब्रेड आमलेट की बंडियों, हुक्का सेंटरों और चबूतरों पर धावा करते हुए 300 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें अक्सरियत कम उम्र नौजवानों की है जो बिला मकसद रातों में आवारागर्दी करते हुए खुद का और कौम का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। शहर के बिगड़ते माशरे की एक झलक चंद रोज़ कबल पंजेशा के इलाके में देखने में आई, जहां 17 साल का नौजवान नबील रातों की आवारागर्दी की भेंट चढ़ गया था। दोस्तों के हमरा रात भर बिला मकसद घूमने और वालिद की मेहनत की कमाई बेदर्दी से उड़ाने के बाद कम उम्र नौजवानों का ग्रुप सड़क पर शर्तिया लड़ाई करता है, जिसमें एक की मौत हो जाती है। फौतशुदा नौजवान के साथियों के किरदार का हाल ये है कि वो बिला इरादी कत्ल को हादसा करार देने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह सच सामने आ ही जाता है। और इस भयानक सच ने शहर के हर ख़ानदान को दहला दिया कि हमारे नौजवानों ने यह कौन सा रुख इख्तियार कर लिया है और वो किस सिमत जा रहे हैं। इस भयानक बिगाड़ के ज़िम्मेदार वो वालिदैन भी हैं जो औलाद की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए शराई हुदूद का भी ख्याल नहीं करते। मीडिया और बिलखसूस 4TV की मुसलसल तवज्जो दिलाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इब्तिदा में होटलें बंद करवाई गईं और जुमा की रात ये खसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया। एडिशनल DCP बाबू राव की निगरानी में साउथ जोन के तमाम ACPs और इंस्पेक्टर्स ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। ये मुहिम चार मीनार, शाली बंडा, हुसैनी आलम, फतेह दरवाज़ा, देवड़ी खुर्शीदजा, तिगलकुंटा, वुट्टेपल्ली, फलकनुमा, चंद्रायन गुट्टा, बाबा नगर, तालाब कट्टा, भवानी नगर, पंजेशा, पुरानी हवेली और दबीरपुरा इलाकों में चलाई गई। और इसी दौरान होटलों, बंडियों, चबूतरों पर बैठकर वक्त गुजारी करने वालों और बिला मकसद पेट्रोल जलाने वाले तकरीबन 300 नौजवानों को पकड़ा गया, जिन्हें सना गार्डन पर रात भर बिठाया गया और सुबह इनके वालिदैन को बुलवाकर काउंसलिंग करने के बाद रिहा किया गया। बाबू राव ने 4TV को बताया कि पुलिस की यह कार्रवाई स्वच्छ हैदराबाद की तर्ज पर जारी रहेगी और इसी दौरान किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने इस मुहिम में आवाम से ताउन की अपील की है और पुलिस के अहदेदारों को भी इंतबाह दिया कि वो मामूल वसूल करना बंद कर दें। बाबू राव ने कहा कि दोबारा गिरफ्तारी की सूरत में इन अफराद व नौजवानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान एक ऐसे भी वालिद को देखा गया जो 2:30 बजे रात में अपने कमसिन बच्चों को जूस पिलाने के लिए चार मीनार आए थे। ऐसे वालदैन को यह जान लेना चाहिए कि वो हमारे आका रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब के बाद बच्चों को बाहर ले जाने से मना फरमाया है ताकि बच्चे मुसीबतें और बलाओं से महफूज रह सकें। ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है भाई, एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, हम इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। जो बच्चे हैं वैसा अगर कोई लाना है तो माँ बाप भी बुलाना है, बुला के हम डेली इसको कंटिन्यू करके और काउंसलिंग करते जाएंगे। वो पुलिस डिपार्टमेंट में भारतीय उनके कांस्टेबल हो चाहे वो कमिश्नर पुलिस हो, सब लोग यूनाइट होकर उन प्रोग्राम को करने की कोशिश की। तो क्या आपके ये प्रोग्राम से भी आपके सबॉर्डिनेट कांस्टेबल से लेकर आपके DCP साहब तक इसको अगर खाना बनाने में आपको बनाए कहूँगी? बिल्कुल नहीं, हम एक डिसिप्लिन फोर्स है, एक अच्छा काम के लिए कांस्टेबल का हो हम कर रहे हैं, आराम से भी सपोर्ट करता है, एक इंसान का नाते सपोर्ट करना चाहिए वो प्रोग्राम को। जैसे स्वच्छ हैदराबाद काम करके हम पूरा एरिया को जैसे हम साफ सुथरा रखे, वैसे बच्चों को उन लोगों को दिमाग में साफ सुथरा करके उन लोगों की अच्छा रास्ते में जाने के लिए हम ये प्रोग्राम चुन लिए, चुन के ये जारी रहेंगे। खत्म किया था बाद में उन लोगों को खत्म, दो साल के बंदी से वगैरह जैसे स्ट्रीट वेंडर्स को खत्म किया था, तो बाद में कंप्लेंस ये है कि स्ट्रीट वेंडर्स को तो खत्म किया जाता है पुलिस की तरफ से, लेकिन होटल्स को बंद नहीं किया जाता, होटल्स होल नाइट चलाई जा रही है।
और बात जगह से ये भी शिकायत है कि होटल से लोकल पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मामूल आता है। ये मामूल तो अभी हमारा जो कमिश्नर साहब का हुक्म का मुताबिक मामूल लेने का कोई हिम्मत नहीं कर सकते, ये तो मैं यकीन से बोल सकता हूँ भाई। और ये जो होटल से अभी लेट चल रहा है वो थोड़ा लिस्ट आउट करें, वो लोग ऊपर भी हम ऑलरेडी एक्शन शुरू करें, वो लोग ऊपर एफ आई आर करना शुरू करें, इसके पहले पेटी केस रहते थे, अभी एफ आई आर करना शुरू करें, करके वो लोग भी दो तीन दिन में बिल्कुल कंट्रोल ले लेंगे। ये पूरा सारे काम हमारा डीसीपी साहब सत्यनारायण साहब के सदारत में हो रहा है, कि हम इसको आगे बढ़ेंगे, जारी रखेंगे, पूरा सुधारने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसलिए आवाम से सबसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे को भी आप साथ दो, इसको पुराने शहर को अच्छा सुधराएंगे, नौजवान बच्चों को जो बेरोजगार टाइप में फिरे रात भर, वो लोगों को काउंसलिंग करेंगे, पढ़ाई में वो लोगों को दिल लगाने के लिए उसको आगे बढ़ाएंगे। आलेर फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ मुस्लिम मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरफ से जुमा को करीमनगर में एहतजाजी जलसे का इनेकाद अमल में आया। मोहतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी, मौलाना जाफर पाशा, मौलाना सईद खादरी और रहीमुद्दीन अंसारी ने जलसे से खिताब करते हुए 5 महरूस मुस्लिम नौजवानों के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। मुकर्ररीन ने वाकये की CBI या फिर बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। बरखी शौक लगने से हलाक होने वाले खानगी इलेक्ट्रिशियन के वर्सा को मजलिस की नुमाइंदगी पर 2 लाख रुपए की इमदाद महकमे बरखी से मंजूर करवाई गई। 50 साल अकरम खान जो जलाल बाबा नगर के रहने वाले थे काम के दौरान शौक लगने से फौत हो गए थे। मंजूर शुदा रकम रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान के हाथों वर्सा के हवाले की गई। इस मौके पर रुकन कौंसिल अल्ताफ हैदर रजी के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन एम ए अजीज भी मौजूद थे, जिन्होंने इस रकम को मंजूर करवाने के लिए मुसलसल जिदोजहद की है। महकमे पुलिस में अनकरीब होने वाले तकर्रात के लिए मजलिस के तरबियती सेंटर में रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रास्त निगरानी में गुज़िश्ता 2 सालों से ख्वाहिशमंदों को तरबियत दी जा रही है, जिसके हौसला अफजा नतायज बरामद हो रहे हैं। ताहाल 100 से ज्यादा नौजवान मुलाजिमत हासिल कर चुके हैं। दारुसलाम में सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवाया है। यह सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। उम्मीदवार 11 से 2 बजे दिन दारुसलाम में मंजूर अली खान से राबता पैदा कर सकते हैं। रियासत नगर के इंदिरा नगर इलाके में रास्ते के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह पर मकान की तामीर की कोशिश को अहलिया ने मोहल्ला ने नाकाम बना दिया। मुकामी अफराद ने बताया कि इस मोहल्ले में सैकड़ों मकान थे और गुज़िश्ता 40 सालों से मोहल्ला आबाद है। बारिश और ड्रेनेज के पानी का नेचुरल स्लोप इसी मुकाम पर है और ये सरकारी जगह रास्ते के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन वाहिद खान नामी एक शख्स ने जो अदालत के मुलाजिम रह चुके हैं इस जगह को अपनी मिल्कियत बताते हुए किसी न किसी तरह तामीर का इजाज़तनामा हासिल कर लिया है और तामीर शुरू कर दी है, जबकि इस जगह किसी भी तामीर से पानी के स्लोप का मुकाम बंद हो जाएगा। मुकामी अफराद ने अदालत की तातीलात खत्म होने के बाद कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान किया है। शहर के मादनापेट इलाके में अराजी तनाजे पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम की वजह से हालात कशीदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक अराजी को लेकर गुज़िश्ता 2 सालों से तनाजा चला आ रहा था और हफ्ते को इसी तनाजे को लेकर 2 ग्रुप्स मुतसादिम हो गए। दोनों तरफ से लाठियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, एक दूसरे पर संगबारी भी की गई। अचानक 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादुम से इलाके में कशीदगी फैल गई और पुलिस के ज्यादा दस्तों को तैनात कर दिया गया है। लाठियों और संगबारी के हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकल किया गया। पुलिस ने बास अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सड़क पर हुए इस तसादुम से रास्ता चलने वालों में भी खौफ देखा गया। इलाके में हालात काबू में बताए गए हैं। मादनापेट पुलिस इस वाकये की तहकीकात कर रही है। मंगलाट में जहेज हरासानी का शिकार खातून की मुशतबा मौत का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद की रहने वाली 24 साल रोशनी की शादी मंगलाट के रहने वाले अनिल पांडे के साथ
जारिया साल 26 जनवरी को अंजाम पाई थी। शादी के वक्त जहेज में 5 लाख रुपए और बुलेट गाड़ी भी दी गई थी, लेकिन अनिल पांडे कार का मुतालबा करते हुए रोशनी को हरासा कर रहा था। जुमा की रात अनिल ने रोशनी के घर वालों को फोन करते हुए बताया कि रोशनी ने खुदकुशी कर ली है। जब मुतोफिया के रिश्तेदार हैदराबाद पहुंचे तो पता चला कि रोशनी का गला दबाकर कत्ल किया गया है। मुतोफिया के अफराद खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि अनिल और उसके भाई ने रोशनी को जदोकूब किया था और दोनों इसकी मौत के जिम्मेदार हैं। रोशनी के अफराद खानदान ने लाश के साथ अनिल पांडे के घर के सामने धरना देते हुए खातियों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्तलिफ जावियों से वाकई की तहकीकात जारी है। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में शादीशुदा खातून पर खातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक क्रांति कुमार नामी शख्स ने साल 2010 में दीपिका से शादी की थी और उसे मुसलसल जहेज के लिए हरासा किया जा रहा था। जुमा की रात क्रांति कुमार के माँ बाप के श्री राव और सुधा रानी ने दीपिका के हाथ बांध दिए और ज़बरदस्ती नींद की गोलियां उसके मुंह में ठोंस दी। बाद में उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। जब दीपिका के माँ बाप को इसकी इत्तला मिली तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। दीपिका को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकल कर दिया गया है। माशी परेशानियों से तंग आकर एक खानदान ने खुदकुशी की कोशिश की है। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास नामी शख्स ने अपनी बीवी और बेटे के साथ मालापुर के एक लाज में कोल्ड ड्रिंक्स में जहरीली दवा मिलाकर पी ली। लाज के मालिक ने फौरी मुतासरीन को खानगी दवाखाने में शरीक करवा दिया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। शहर के उपल इलाके में वाक़ स्वरूप नगर में क्रिकेट बैटिंग वसूल करने वाली एक टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने टोली के कब्जे से 2 लाख रुपए नकद रकम, 40 सेलफोन, 2 लैपटॉप और 2 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जिले नेल्लूर से ताल्लुक रखने वाली एक टोली एक अपार्टमेंट में कमरा किराए पर लेकर बैटिंग वसूल कर रही थी। पुलिस ने बताया कि इसने जब अपार्टमेंट पर धावा किया उस वक्त चेन्नई के लिए 10 लाख और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 22 लाख रुपए के बैटिंग वसूल की जा चुकी थी। पुलिस गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ कर रही है और इस बात का पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि दिगर बुकियों से भी क्या इनके रवाबित हैं। संगरेड्डी के तहसीलदार गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि शादी मुबारक स्कीम के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच का काम रोजाना की असास पर किया जा रहा है और कोई भी दरख्वास्त ज़रे इल्तवार नहीं है। उन्होंने बताया कि दरख्वास्तों की जांच के बाद उसे दरख्वास्त गुजारों के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने मुस्लिम दरख्वास्त गुजारों से कहा है कि किसी भी मसले की यकसोई के लिए उनसे राबता पैदा करें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। स्मार्ट सिटी के शोबे में तेलंगाना हुकूमत के साथ इश्तराक की पेशकश। हिटाची कंपनी के वफद की वजीर आला से मुलाकात। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अराजी पर मकानात की तामीर का मसला, राजभवन पहुंच गया। तलबा तंजीमों के कायदीन की गवर्नर से मुलाकात। मिशन काकतिया के काम जल्द मुकम्मल करने की अहदेदारों को रियासती वजीर हरीश राव ने दी हिदायत। चबूतरों होटल्स में रात गुजारी करने वाले नौजवानों के खिलाफ 1000 पुलिस की कार्रवाई। और मदाना पेट में राजी का तनाजा, 2 ग्रुपों में तसादुम, 3 अफराद जख्मी। इसके साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।